ये मैं ज्यादा लोड दे रहा हूँ गाड़ी पे, स्क्रैप होते हुए देखिए इस प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ से पानी कितना भी आप ट्राई कर लो, पार्ट होता है ना इसको फ्री रखा करे, मतलब इसको WD-40। वेलकम बैक टू द हैवी गॉड। सो राइट नाउ यहाँ पे हो चुका है माउंट का सीन। ये हुआ इसलिए ना, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको थोड़े टाइम में। और ये अभी गाड़ी यहाँ से ले जाने की कंडीशन में नहीं है, डिस्कशन हो रहा है। मैंने मोहसिन भाई से बात की है, उन्होंने भी बोला कि अगर एक नट पे है तो ले जाओ, तो फाइनली वही हुआ, गाड़ी ये ले जा रहे हैं, एक नट पे चली जाएगी ऐसा उन्होंने बोला। तो हो सकता है, वो रिस्क तो है भाई। और ये देखो ये जैक है, ऐसे ही सताता है हमेशा, ये बहुत दूर तक ऐसे पीछे आता है, अभी इसको भगाना पड़ेगा वापस। जा वापस जा। और अब गाड़ी ये दौड़ा रहे हैं, दौड़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो स्टेयरिंग पे बैठे हैं ना तो मतलब दिक्कत नहीं है कि कुछ हो जाएगा। और वहाँ पे जाके इसको पूरा सॉर्ट आउट कर देंगे, माउंट ब्रैकेट जो भी गया है इसका। The next day. So, good morning. Current situation is, गाड़ी का ये वाला देखो कैसा हाल हो गया इसका, ये बोल्ट अंदर ही टूट गया। और अपनी गाड़ी यहाँ पे लगी है, इसका काम चल रहा है, हेडलाइट निकल चुकी है, माउंट भी निकल चुका है, ब्रैकेट निकल रही है, ये देखो यहाँ पे ये वाला टूट गया। एंड ये वाला तो मतलब इसके अंदर के थ्रेड फ्लैट हो गए, तो ये थ्रेड फ्लैट होने की वजह से ये जगह छोड़ दिया। एंड इसका रीज़न ये था ना कि गाड़ी क्लच का थोड़ा झटका आ रहा था, वो झटके की वजह से ये माउंट लूज़ हो गया, लूज़ होके उसकी थ्रेडिंग फ्लैट हो गई। ये दो नट मैं लाऊँगा अभी, और उसके बाद देखते हैं चीज़ को, मतलब इसका परफेक्टली फिट करेंगे। तो ये वाला माउंट ब्रैकेट था जो हमने OEM डाला था पुराना लेकर, अब इसका ये हाल है, ये वाला टेक्निक्स, ये ब्रैकेट है, ये माउंट है। A few moments later. तो करंट सिचुएशन इज, बेल्ट चेंज हो चुका है, ये देखो अपना बेल्ट ऐसा हुआ था, मतलब ये लग गया था नीचे प्लेट में, उसके कारण ये ऐसा छिल गया। तो अब उन्होंने सारी चीज़ें लगवा दी है, और एज इट इज़ गाड़ी सेफ है, इतना गर्मी में दौड़ाने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। माउंट लग चुका है जगह पर, क्लच के इशू से झटका है, या फिर EGR का कुछ मतलब निकल चुका है जिसकी वजह से लैग आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट्स है जो मतलब आइडेंटिफाई करना भी एक बड़ा टास्क है, और वो उसमें भी स्किल होती है, तो बहुत सारे बंदे उसमें परेशान हो जाते हैं। बंदे का मतलब ऐसे ही वायरिंग का शॉर्ट हुआ था, जिसकी वजह से फिर उनका ACM उड़ गया। ये मैं ज़्यादा लोड दे रहा हूँ गाड़ी पे, RPM हाई RPM पे मैं गियर शिफ्टिंग कर रहा हूँ, मतलब और थोड़ा ब्रेकर पे एकदम ऐसे बंप करके ले रहा हूँ, जिसकी वजह से माउंट लूज़ हो गया। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे, गलती से मान लो हाईवे पे हो जाता है, तो अगर तब हो जाता है तो जो होने वाला है वो अभी हो रहा है, तो ये कोई बात नहीं। इसको मतलब मैंने ऑलरेडी माउंट हमने चेंज कर दिया, माउंट हमने OEM दूसरा लाया है, बाकी सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, अभी ज़्यादा कुछ है नहीं मेजर इसमें, और बहुत सारी चीज़ें इस पर लोड होने वाली है। स्टे ट्यून्ड। अपना काम कंप्लीट हो चुका है, अपनी गाड़ी बाहर जा चुकी है। एंड यहाँ पे देखो कितनी प्यारी पसाट आई है, ये 2.0 मैनुअल TDI है, और ये पार्किंग देखो इसकी कैसी हुई है, पीछे थोड़ा भी गैप नहीं है, ऑलमोस्ट गाड़ी टच हो चुकी है। एंड देखो क्या ही ज़बरदस्त सनराइज हो रहा है, मैंने गाड़ी जानबूझ के इन फूलों के करीब खड़ी कर दी, क्योंकि क्या ही ज़बरदस्त वाइब आ रहे थे ऐसे देखने में। सो मैंने सोचा कि यार कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग इधर उधर निकलेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, करने वाले इसके कॉमन और रेगुलर प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम लोग फेस करते हैं हर थोड़े दिनों के बाद। जैसे इसका पिकअप का इशू हो गया, माइलेज का इशू हो गया, गाड़ी हाई माइलेज कार है, इसको आप अगर माइलेज में चला ही नहीं रहे हो तो फिर इसका फ़ायदा ही नहीं है। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब अटक जाती है, लोगों को समझ में नहीं आती है, तो आज हम उस पर सारे डिस्कस करते हैं एंड इसका सॉर्ट करते हैं। ओके, सो बोनट खुल चुका है गाड़ी का, और हम बात करें पिकअप और मतलब इसका जो एवरेज की बात करें ना हम लोग, तो इसमें सिंपल चीज़ें हैं, जहाँ के यहाँ पे तीन वॉल दिए गए हैं, ठीक है, ये तीनों वॉल में से कोई एक वॉल एक यहाँ पे आता है इसका पीछे में, छोटा सा है वो भी, तो ये जब दिक्कत करते हैं ना तो गाड़ी का पावर में प्रॉब्लम आती है, मतलब गाड़ी को वैक्यूम नहीं मिलता है, और वैक्यूम नहीं मिलने की वजह से ना गाड़ी भागती नहीं है। और ये गाड़ी भाई 1.9 TDI इंजन रहने से ना इसका इंजन का ही पावर इतना है कि आपको समझ में नहीं आएगा टर्बो ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, बस RPM आपका ऐसे रुक जाएगा 3000 के आसपास में, फिर आप गियर चेंज करोगे उतना ही जाएगा। नॉर्मली इसका RPM 5000 तक जाना चाहिए हर गियर में,
मतलब आप खींचो मत इतना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो नहीं जा रहा है ना तो ये वॉल का प्रॉब्लम हो चुका है, कोई तीनों में से एक वॉल बंद है, N75, N118 एंड N239 जो यहाँ पे आता है पीछे में, वो वॉल हमेशा मतलब कभी भी है तो ऐसे तो ज़्यादा ख़राब नहीं होते, लेकिन ख़राब होते हैं तो समझ में नहीं आता है। समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये टर्बो ऑन करते हैं और मतलब बाकी वैक्यूम क्रिएट करते हैं, गाड़ी का सारा वैक्यूम उसी वॉल पे चलता है, तो ये तीनों वॉल हमेशा चेक करा करें। एंड उसके बाद अगर एवरेज पिकअप की बात चल रही है तो EGR एंड इनटेक को क्लीन करवा ले, क्योंकि यार उसमें कार्बन जमा हो के ना वो चोकअप हो जाता है और उसकी वजह से गाड़ी भी मतलब ऐसे उसके फेफड़े जाम हो जाते हैं गाड़ी के, तो वो क्लीन कराने से भी गाड़ी फ्री हो जाएगी। और अब ये राइडर है, ठीक है, ये राइडर गाड़ी में ना पीछे ड्रम आते हैं तो वो ड्रम भी कभी कभी पकड़ लेते हैं, जाम हो जाते हैं। चलो रोटर तो मान लो कि ये तो फ्री रहते हैं, लेकिन चारों भी ये जो रोटर एंड डिस्क का पार्ट होता है ना, इसको फ्री रखा करें, मतलब इसको WD-40 मार के ना इसको फ्री रखा करें, जिसकी वजह से गाड़ी जाम चलना बंद हो जाएगी और उसमें माइलेज में फ़र्क पड़ जाएगा। कई भाई ये बोल रहे थे ये गाड़ी ना भाई 10-12 ही एवरेज देती है, ये गाड़ी हाई माइलेज गाड़ी के नाम से जानी जाती है फॉरेंस में, तो आप ये गाड़ी को लो माइलेज लेके ना मतलब फ़ायदा ही नहीं है इसका। पावर तो खैर वो तो नेचुरली आया है, लेकिन उसके साथ साथ इसका वो चीज़ का अगर एडवांटेज नहीं ले रहे हो आप हाई माइलेज का, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है भाई गाड़ी का, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। 10-12 माइलेज दे रही है गाड़ी तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। 1000 के डीजल में ना ये गाड़ी कम से कम 300 किलोमीटर चलती है ये गाड़ी, ठीक है। मिनिमम अगर चलो गाड़ी में काम भी रहेंगे ना तो 250 किलोमीटर तो कहीं नहीं गया, चल जाएगी गाड़ी 1000 के डीजल में। सो मेक श्योर आपकी गाड़ी के वो वॉल्स, EGR, इंटेक एंड बाकी चीज़ें क्लियर हैं, कहीं पे कुछ टायर्स वगैरह जाम घूम नहीं रहे हैं, वो सब चीज़ों का ख्याल करें और वो सब चीज़ों को मतलब मेंटेन करें, जिसकी वजह से गाड़ी के एवरेज में फ़र्क पड़ता है और पिकअप में फ़र्क पड़ता है। अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसका, सीधा सीधा मुझे वॉल से आवाज़ आ रही है, ठीक है, एकदम ऐसे आवाज़ आ रही है ना जैसे टर्बो की आवाज़ आती है वैसी आवाज़ वॉल से आ रही है। मैंने तो वॉल अभी इसके भी ख़राब होने को आए हैं, मतलब मैंने लास्ट टाइम ये वाला चेंज किया था तो लगता है ये या पीछे वाला कोई ख़राब हो गया है, जिसको मैं अभी चेंज करूँगा, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत पावर में दिक्कत आ रही है। मैं बता रहा हूँ आप जब भी वॉशिंग सेंटर पे जाते हो ना, तो जब पानी मारते हो तो यहाँ पे पानी ज़्यादा मत मारा करे विंडोज़ पे, यहाँ से पानी कितना भी आप ट्राई कर लो इसमें से अंदर घुसता ही है, ठीक है, क्योंकि यार पानी है उसको जाने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है, तो यहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा जाता है। एंड इसकी जो मॉडलर एंड मोटर है ना जो वाइंडर का, तो वो बहुत मतलब वो ऐसा ही फेस है उसका, तो डायरेक्ट पानी उसी पे चला जाता है, जिसकी वजह से ये मॉडलर है मोटर ख़राब हो जाती है। और ये जो केबल होती है ना इसको अप डाउन करने वाली, वो भी टूट जाती है, उस पर पानी लग गया ना वो रस्ट पकड़ेगी, ठीक है, अगर आप कभी उसको निकालोगे तो ग्रीस करवा के फिर उसको लगवाना, बाकी चीज़ें मेंटेन रहेगी। और दूसरी बात, यहाँ पे भी पानी मतलब कंटिन्यूस मत मारो, कि यहाँ से पानी अगर ये फ्लो हो के अगर आपका यहाँ पे गैप है ना, तो ये पानी सीधा उतरेगा अंदर और वहाँ से आएगा सीधा पैरों में। यहाँ का एक रबर आता है, वो रबर आप चेक करा लो, पूरा परफेक्टली फिट होना चाहिए वो रबर, अगर वो फिट नहीं है ना तो पानी अंदर घुसेगा। और ECM का भी दिक्कत इसी से आता है, एक भाई का ECM चला गया है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। थोड़े ही दिनों में बारिश के दिन आने वाले हैं, लाइक मैं एक सजेस्ट करता हूँ, अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है ऐसे ऐसे फॉल्ट आएंगे आपको समझ नहीं आएगा कि ये फॉल्ट हुआ कैसे, तो एक्चुअली जब बारिश का पानी चारों विंडोज़ के अंदर से या फिर सामने की साइड से अंदर जाएगा ना, तो ECM में प्रॉब्लम करेगा। और कुछ चीज़ें होती है ना अच्छी चल रही होती है, फिर उनको अगर मान लो एक ड्रॉप की ज़रूरत होती है, अगर वो ड्रॉप गिर गया उस पर ना, तो वो गाड़ी को बिगाड़ देगा भाई पूरा। तो इस बार की बारिश में तो एटलीस्ट आप कवर कर लो, मैं भी अपनी गाड़ी को इस बार की बारिश में पूरी कवर करने वाला हूँ। सो आपको भी ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक गाड़ी लिटरली स्क्रैप होते हुए देखी है इस प्रॉब्लम की वजह से। और हाँ, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, ठीक है, और गर्मी के दिनों में परसों एक भाई आए थे ना, तो उन्होंने 40 हवा रखी है, 40 PSI, भाई इतनी हवा नहीं रखनी है गाड़ियों में यार, मतलब इसमें 32 रखो आप गर्मी के दिनों में, और बाकी सब ने भी 35, 36, 38 रख दिए, इतनी हवा मत रखा करो गर्मी के दिनों में, आप बाकी टाइम पर रख लो चलेगा था मतलब ठंडी या बारिश में, लेकिन गर्मी में 32 चारों में मेंटेन किया करो। टायर का प्रेशर ना गर्मी में थोड़ा बहुत बढ़ते रहता है, तो हवा फिर आपका टायर फटने के चांसेस रहते हैं, सो मेक श्योर आप गाड़ी की 32 हवा रखा करो चारों टायर्स में, मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर हम लोग घूमने या फिर कहीं पे निकल जाएंगे ना तो मेरे हाथ से छूट जाएगी ये सब बताना, और ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत से लोग मतलब मेंटेन करते हैं सब चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें रहती है, जैसे अभी ये हवा की बात हो गई,
तो ये चीजें फिर आपको दिक्कत करेगी आपकी गाड़ी भाई, कहीं पे कुछ ऊपर वाला ना चाहे, कहीं पे कहीं टायर फट गया या कुछ हो गया, क्योंकि एक भाई का फट गया टायर, और शायद रोड ट्रिप सीरीज भी शुरू हो जाएगी ना, तब भी मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता ही रहूँगा जो भी मेरे से मतलब होगी, जो भी गाड़ी रिलेटेड होगी या फिर इंजन रिलेटेड होगी, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो नॉलेज ही शेयर करेंगे, बाकी चीज़ें तो खैर करेंगे ही करेंगे। ट्रैवल वाइप तो गाड़ी का भाई हम लोग अभी चेक करने वाले हैं, इसका ट्रू पोटेंशियल पहाड़ों में ले जाके। जैसे अब हम लोग रोड पे हैं, इतना ज़बरदस्त वाइब आ रही है, और देखो अभी जस्ट मैं आया था, ये पूरा डाउन था, अभी जस्ट ऊपर उठा, तो स्टे ट्यून, बहुत सारा मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियोस में। और सब्सक्राइबर है उनका नाम सागर है, उनके पास ये गाड़ी भाई 0001 नंबर में, वाट अ VIP नंबर, एंड उसके बाद उनकी गाड़ी ऑटोमेटिक थी, ये मार्क 1 ऑक्टाविया, उन्होंने उसको मैनुअल में कन्वर्ट किया, एंड उसके बाद अभी फ़िलहाल उनके गाड़ी में मतलब थोड़ा बहुत इशू आया है हेड रिलेटेड। मैंने उनको वही बोला कि कोई चीज़ें मतलब रिपेयर वपेयर कराने के लिए मत जाओ, मतलब बेटर कंडीशन में सीधा रिप्लेस ही कर लो, ओल्ड ही रिप्लेस करवा लो, ऐसे नहीं कि आपको वो निकाल के नया डालना है, ऐसा नहीं है, वो मिलता भी नहीं है, या फिर अच्छी कंडीशन के पार्ट्स खरीद कर उसमें डलवा लो। एक और चीज़, ये सब चीज़ें आप भी मेंटेन किया करो, गाड़ी अच्छी रखा करो। जल्दी ही Mark 3 ऑक्टाविया एंड Mark 3 फेसलिफ्ट ऑक्टाविया, जो कि VRS वेरिएंट्स आती थी, उनकी वीडियो आने वाली है, स्टे ट्यून, वो तो खतरनाक होने वाली है। मतलब ये स्कोडास की मैं बात करूँ ना, तो ये गाड़ी को ज़्यादा दिन बंद मत रखा करो, मतलब 4 दिन 5 दिन मुश्किल से मुश्किल, अगर बैटरी वीक है तो उससे जल्दी स्टार्ट किया करो, मतलब ज़्यादा दिन गाड़ी को ऑफ मत रखा करो, दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, हफ्ता मुश्किल से मुश्किल हफ्ता, ठीक है, तो उसमें चालू किया करो, 5-10 किलोमीटर चलाया करो, टेम्परेचर 90 में आना चाहिए, सब चीज़ें फंक्शनल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेंसर्स है इसमें, अगर आप बंद रखोगे ना उड़ जाएंगे, उसके बाद चालू करोगे ना गाड़ी धुआं मारना शुरू कर देगी सीधा सीधा, उसके बाद रिले भी उड़ जाएगा या फिर क्रैंक सेंसर उड़ जाएगा, ज़्यादा टाइम महीने से ऊपर अगर खड़ी करोगे ना क्रैंक सेंसर रिले, धुआं मारना शुरू हो जाएगा गाड़ी का, तामझाम बहुत सारा लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे 2-3 भाइयों की गाड़ी का यही प्रॉब्लम हुआ, मैंने उनको वही बोला कि आप गाड़ी बंद मत रखा करो, एटलीस्ट 4-5 दिन में एक बार स्टार्ट किया करो, और 2-5 किलोमीटर चला के उसको वापस उधर पार्क करना। छोटे मोटे अभी चीज़ें बची है, मैं इसका छोड़ूंगा नहीं, लेकिन चीज़ें सॉल्व करूंगा, और होती जाएंगी तो भी मैं टाइम लूंगा, लेकिन सारी चीज़ें आराम आराम से सॉल्व कर दूंगा। लैंड बनाने के बाद मैं कहीं गया नहीं हूँ, तो जैसे ही रोड ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी ना, आपको सच्ची बता रहा हूँ मैं, इतना मज़ा आएगा ना उसमें, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें नॉलेजेबल एंड अनएक्सप्लोर चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। जब तक गर्मी है ना, चीज़ें शेयर कर सकते हैं, मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद जैसे ही गर्मी ख़त्म हो जाएगी ना, फिर हम लोग कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।